my dear students my dear scholars can i say the 21st century is the century of bringing change at a very fast pace internet technologies spread the message across the world in no time what does that mean that means there is more dynamism there is more action you can't stop it You can't stop the internet technology. You cannot stop communication technology. आप क्या जायज कैश और ईजी पैसा वालों को कहेंगे कि आप बैंकों की बिजनेस के ऊपर डाका डाल रहे हैं नो दे आर हेल्पिंग दोज मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस हु हैव नो बैंक अकाउंट देखिए ना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए वो सारे चेक जो हैं बैंक वाले इंग्लिश में बनाते हैं भाई क्या सारी दुनिया को इंग्लिश आती है उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बहुत सारी दुनिया जिनको उर्दू नहीं आती वट टू स्पीक ऑफ सिंधी एंड पश्तो एंड अदर लैंग्वेजेस लेकिन वो लोग तो हैं ना तो जैज कैश और इजी पैसा ने एक बिजनेस मॉडल आपको दिया कि शनाख्ती कार्ड के जरिए से आप जहां कहीं भी हैं पैसे ट्रांसफर कर दें जिंदगी आसान हो गई ना और आप वेट कीजिए आप ही की जिंदगी में वो वक्त आएगा कि लोग बैंक जाना बंद कर देंगे और अब तो यही इजी पैसा और जैज कैश वाले अपनी फोन की बिजनेस को भूल रहे हैं और ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है इस बिजनेस से उनको ज्यादा पैसा आ रहा है I am seeing now they are going outside Pakistan. They are connecting Pakistan and Saudi Arabia. They are connecting Pakistan and Malaysia. They are connecting Pakistan with the world. वैसे तो प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद हैं मसलन पे का प्लेटफॉर्म मौजूद है लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है क्या किया जाए बहरहाल हमें इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के अंदर डायनेमिक मॉडल्स को अपनाना है ये कंस्ट्रेंट्स आपको डिस्करेज ना करें ओह कि पाकिस्तान में पे पॉल नहीं है तो हम क्या करें पे पॉल इज ए इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग फॉर ट्रेड एंड फॉर मनी बट फॉर सम रीजन अब उसकी कोई भी रीजन हो सकती है मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता इसलिए कि हम लोग बड़े क्रिएटिव हैं बड़े इनोवेटिव हैं नेगेटिव साइड पर जरा ख्याल पहले आता है अच्छा वो जो मिंटगुमरी रोड पर या बिलालगंज में या मेमन मार्केट के अंदर बैठे हुए लोग है, इतने हैं इतने क्रिएटिव हैं कि वो पुरजे की कॉपी एक मिनट में बना देंगे अरे भाई जब आप पुरजे की कॉपी एक मिनट में बना देते हैं तो क्या नए पुरजे के अंदर या पुर्जे के अंदर इनोवेशन नहीं ला सकते ला सकते हैं एनी हाउ ये कल्चर की बात है तो मैं बात कर रहा था डायनेमिज्म की तो ये जो डायनेमिक मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ये मौजूद हैं और मैनेजमेंट के प्रोफेसर ने मैनेजमेंट के स्कॉलर्स ने डायनेमिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर प्रपोज किए हुए थॉट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लिटरेचर फॉर एग्जाम्पल आई शेयर विद यू वन ऑफ प्रोफेसर पीटर सेंजे ऑफ एम आई टी ही टॉक्स अबाउट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चार दीवारी के अंदर बंद ना हो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डायनेमिक हो डायनेमिक आप कैसे होते हैं फिजिकल बॉडी से आप डायनेमिक भी होते हैं वो आपको जाना पड़ता है जिम के अंदर लेकिन बात इंटेलेक्चुअल वर्क की हो रही है हर जगह पर हमें पहलवान नहीं चाहिए हर जगह पर हमें फिजिकल मसल के बिल्ट इन वर्कर नहीं चाहिए मैनेजर या मेरे जैसा प्रोफेसर तो आई अर्न माई मनी बाई थिंकिंग इज इट ट्रू और नॉट बाई गिविंग यू New examples, relevant examples, more knowledge, updated knowledge. Learning organization. So, Professor Peter Sanjay says that new knowledge changes your attitude, your belief. It gives you awareness. It makes you able to find new ways. And new awareness brings new attitude and new belief. New thinking, new way of doing things. Accepting change very fast. And once you put this together, you learn new skills at the organizational level. When you call learning organization, you make this a collective intelligence. Or you I know one company in Pakistan. इट्स द वर्ल्ड क्लास कंपनी आप कहेंगे चाइना में वर्ल्ड क्लास होती हैं या अमेरिका में वर्ल्ड क्लास होती है नहीं पाकिस्तान में भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं दे आर वर्ल्ड लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग सॉक्स चाइना से भी ज्यादा जुराबे उनके कस्टमर लिवाई वाले हैं नाइकी वाले हैं एडिडास वाले हैं पूमा वाले हैं फैसलाबाद में मौजूद है कई यूनिट्स हैं उनके लेकिन एक बात बड़ी वाजे है आई नो पर्सनली That the managers and the owners and the marketeers and the engineers and even the workforce they are always open for new knowledge, for new technology, for new supply chains, for new way of doing things. Because that's the only way of survival. So Pakistani kissed less kama nahi hai Humare Pakistani student. हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर इंजीनियर किसी से कम नहीं है जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर सोसाइटी के अंदर एक कलेक्टिव विल हो कलेक्टिव इंटेलिजेंस हो कलेक्टिव मास्टरी हो एक टीम वर्क हो एक शख्स दूसरे को सहारा दे दूसरे से नॉलेज शेयर करे उसको उठाने की कोशिश करे और ये उठाने की कोशिश उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप नॉलेज को इल्म को इंफॉर्मेशन को आइडिया को एक्सपर्टीज़ को शेयर करें नॉलेज शेयरिंग मेक्स यू इवन मोर पावरफुल थैंक यू वेरी मच